रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो टॉपिक होगा आज का पबजी बैन हुई है पाकिस्तान में, आपको पता है। लेकिन कुछ लोग फिर भी VPN यूज़ करके खेल रहे हैं और जोंग की सिम पर खेल रहे हैं, उनमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन यार मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, मैंने एक वीडियो देखी टिकटॉक पे, वो लड़की ना बहुत तकरीरें कर रही है पबजी के बारे में आके, पबजी के ख़िलाफ़ आके, तो बड़ा ना समझा रही है। तो मैं आप लोगों को इसकी वीडियो दिखाता हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है टिकटॉक पे, सेव का ऑप्शन नहीं था आ रहा तो मैंने फिर रिकॉर्डिंग की है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर दूसरी बात बाद में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नदीम नानी वाले भाई साहब, आपने वीडियो बनाई कि पबजी को बंद करके हुकूमत ने इंतहाई गलत फैसला किया है। क्यों किया है? अच्छा फैसला किया। अब मैं पागल हो सकती हूँ? हुकूमत तो पागल नहीं हो सकती ना मेरे भाई। ये कि बैन मुजरे भी तो चल रहे हैं टिकटॉक पे, टिकटॉक को भी तो फिर बंद होना चाहिए। हो जाए, नो इशू, मैं मानती हूँ टिकटॉक पे मुजरे चल रहे हैं, ये है वो है, तुम लोग लड़कियों की इज्जत नहीं करते। अगर तुम लोगों का नजरिया ठीक हो ना, तो एक औरत को इज्जत देने वाले तुम ही लोग हो और एक औरत की इज्जत उठाने वाले भी तुम ही लोग हो, सही है? आई समझ, एक औरत को इज्जत दे भी सकते हो और ले भी सकते हो तुम लोग ना, कि पबजी हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ है, जब मरोगे तब भी साथ ले जाओगे इस पबजी को। मैं कहती हूँ अल्लाह करे तुम लोगों की औलादे वैसी पैदा हो जिस तरह की तुम औलादे बनी फिर रही हो, जिस तरह तुम अपने माँ बाप के मुंह में थूक रहे हो ना, वैसे तुम्हारी आगे होने वाली नस्लें तुम्हारे मुंह में थूकें, तब पता चले लड़की। आपने वीडियो देखी तो कैसा लगा? ठीक है कि अब ये देखें कि इतने बोला गया है कि आप लोग अपने वालदैन के मुँह के ऊपर थूक रहे हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा भी कुछ बोलूँगा तो औरत है तो फिर औरत कार्ड निकल आएगा कि एक औरत के साथ बदतमीजी की, एक औरत के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किए। अब आप लोग ये बताएंगे यहाँ इसको जवाब देना बनता है या नहीं? मैं तो दूंगा जवाब, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन एक लिमिट तक मैं दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर, अभी मैं दूंगा, लेकिन मैं आपको अभी और वीडियो भी दिखाता हूँ इसकी, तो फिर वो चीज़ देखें और फिर आप डिसाइड करें कि क्या होना चाहिए। बहुत गर्मी लग रही है यार, तुम लड़कियों को इतनी गर्मी क्यों लगती है? हम होते ना, मैं आपने वीडियो देख ली बबली साहबा की, ठीक है, तो अब ये बताएं कि अब मुंह पर कौन थूक रहा है अपने वालदैन के, हम या हम पबजी वाले या ये? ठीक है, तू है क्या, मुझे ये बता, जो तू इस तरह की बातें कर रही है कि छोटी सी टिकटॉक की खुसरी, ठीक है, बातें तू ऐसे कर रही है जैसे तू जॉनी सिंस की सेक्रेटरी हो। ठीक, तुझे शर्म नहीं आई कि तुमने ये बोला क्या है कि तू पबजी वाले अपने ही माँ बाप के मुंह पर थूक रहे हैं? अरे मेरी बात सुन, ठीक है, पहले जो होती थी ना तो IFM वगैरह, वो कोठे वगैरह पे करती थी, सुनने में आता था। ठीक है, तो अब आप लोग जो है, तुम लोग जो है, तुम्हारे जैसी और भी हैं, वो करती हैं टिकटॉक पे। ठीक है, घर पे बैठ के टिकटॉक पे मुजरे कर लिए और लोगों को दिखा लिया और वाह 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 हासिल कर ली, यानी कि दाद ले ली। इसको कहते हैं अपने माँ बाप के मुँह पर थूकना, सही है? या अगर मैं गलत हूँ तो फिर भी मुझे बता दें। ठीक है, तेरी औकात क्या थी, तुमने क्यों इस तरह का बोला, तुझे नहीं पता? अब मुझे ये बता कि तू इस तरह के जो फहाशी फैला रही है, खुश होते हैं, दूसरों को खुश करते हैं, लोगों को, दोस्तों को इकट्ठे होते हैं, तो कुछ लोग जो हैं इस पे अपना यानी कि घर बार चलाते हैं। ठीक है, यानी कि वो जैसे दूसरे प्लेयर्स हैं, वो पबजी अच्छे प्लेयर हैं, गेम यानी कि खेलते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर बाद में यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, और फिर बाद में अर्निंग होती है और वो पैसे जो हैं वो आप उनके वो अपने घर वालों पर लगाते हैं। ठीक है, और जब बैन हुई और तू जो है खुसरी इस तरह खुश हो रही है और कह रही है कि बहुत मज़ा आया, बंद हो गई और मैं चाहती हूँ बंद होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, टिकटॉक बंद ना हो, लेकिन ये जो फहाशी फैला रहे हैं इनको तो कंट्रोल किया जाए। मैं खुद टिकटॉक यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ मेरे पबजी ये टिकटॉक में बहुत सारी जो तुम्हारी जैसी है ना, ये मैंने तुम्हें भी ब्लॉक किया हुआ था,
लेकिन एक लड़के ने वीडियो लगाई तो फिर मैंने उस पे नाम देखकर मैंने देखा ब्लॉक लिस्ट में वो तुम हो, फिर मैंने तुम्हें अनब्लॉक किया तुम्हारी वीडियो, मैंने फिर सारी रिकॉर्डिंग की सिर्फ रिकॉर्डिंग करने के लिए, वरना तुम ब्लॉक है मेरी लिस्ट में। मैंने तुम्हारी जैसी बहुत सारी जो है ना तवाइफें जो हैं वो मैंने ब्लॉक लिस्ट में रखी हुई हैं, ठीक है। तो अब ये मुझे बता कि अब ये फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि थूका किसने है अपने माँ बाप के मुँह पर, तुमने या हमने? तुमने खुद भी अपनी माँ बाप के मुँह पर थूक रही हो और लोगों को भी दावत दे रही हो खुलेआम के मेरे माँ बाप के मुँह के ऊपर थूको, मेरे मुँह के ऊपर थूको, ठीक है। लानत है तुम पे, ठीक है, और फिर लानत है तेरे घर वालों पे, घर वालों पे इसलिए कि वो तुम्हें बात नहीं कर रहे, तुम्हें देख रहे हैं सब कुछ तुम्हारे, पता नहीं फिर वो किस टाइप के कंजर हैं, मुतमिन कंजर हैं जो तुम्हारी इस तरह की फहाशी वाली वीडियो मुजरे देख रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, या फिर उन्हें बिल्कुल नहीं पता तुम्हारी ये मुजरों का, या वो फिर बहुत ही ज़्यादा डीट मुतमिन किस्म के कंजर हैं, ठीक है। अरे इस दो टके की औरत के लिए हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जो बोलना था इसको बोल दिया। तो आते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो सबसे पहले सर मैं शुक्रिया अदा करूँगा वकार जका साहब का, सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद अहमिन गेमिंग सर आपका भी बहुत शुक्रिया। उसके बाद बेस्ट यूट्यूबर हमारे डक्की भाई सलाम सर आपका भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और उसके बाद मुबीन भाई उर्फ स्टार अनानमस पिंडी बॉय सर बहुत बहुत शुक्रिया, सर बिग फैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने पबजी के लिए आवाज़ उठाई और स्ट्रगल की और एफर्ट फुल लगा रहे हैं आप लोग, तो सर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके साथ हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि पबजी अनबैन हो जाएगी पाकिस्तान में। तो सर फिर दोबारा अगेन वकार जका साहब आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो लोगों मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों भाइयों, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर करें, अगर कमेंट में बताएं कि क्या मैंने ये बातें जो की हैं बहुत अच्छी की हैं या नहीं, तो मेरे चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब करें। और इजाज़त चाहते हैं जनाब, अल्लाह हाफिज़।